पूर्णतः आप क्लियर करना है, जो उपास करना सत्य है। अब उपास नहीं कर सकते हैं वो बात अलग है, पर उपास करना भी एक प्रकार का तपस्या है, इसको समझना और श्रद्धा रखना। जम सकई तम करई, जम न सकई तम सद्दहन। आचार्य ने कहा जम सकई, आपको जितना हो सकता है उतना करिए, जम न सकई तम सद्दहनम, जो नहीं कर सकते है उसके प्रति आप श्रद्धा भाव रखिए, ये हमसे नहीं हो रहा है बट ये गलत नहीं है, ये सत्य है और इसके प्रति हमें सजग होना है और सजता से जीना है। हर चीजें हर व्यक्ति कर सकता है ऐसा नहीं, हर व्यक्ति हर बात को हम दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन में व्यापार कर सकते हैं ऐसा नहीं। आज आचार्य शांति सागर जी ने 9,000 उपास किया, कि आप 9,000 उपास कर सकते हैं? संभव नहीं है। उस टाइम की वातावरण, उस टाइम का योग, उस टाइम का सहयोग और उस टाइम का खानदान बहुत सात्विक था बंधु, उनकी ताकत इतनी थी कि वो जो दो बैल, पहले जो बैलों से पानी खींचा जाता था वो खुद खींचते थे पानी से, इतनी ताकत था। दो बैलों की ताकत उनके अकेले उनके देह में था। क्या आप आज सो आपके दादा और परदादाओं ने 100 बोरी जो है एक एक हाथ में उठा के लेके जाते थे, धीरे धीरे कंधे पर आया, सिर पर आया, अब जो है वो सिर पर भी नहीं कंधे पर भी हाथ, अगर 15 लीटर का बाल्टी भी उठा देते हो तो कमर लचक जाता। ये स्थिति हमारे देह की है। विरले लोग, आज भी विरले लोग है जो उपास करते हैं, 200 तक उपास कई लोगों ने किया है, 100 उपास भी किया है, पर जिन्हें संभव नहीं है वे गलत नहीं माने उन्हें कि उन्होंने उपास किया है क्या ऐसा वैसा, नहीं, अपने पास नहीं संभव है तो ठीक है, जिन्होंने किया है उनके लिए हम अनुमोदना करें और यह करें उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करें। जम सकई तम करही, आपकी जितनी देह, मानसिकता, परिवार की स्थिति और आपकी जितने भी संभव हो उतना ही करें। शक्ति सस्तपः शक्ति सत्याग, शक्ति के ऊपर अत्याधिक ना करें, चाहे वो दान में हो, चाहे तपस्या में हो, चाहे वो व्रत में हो, चाहे अनुष्ठान में। कभी कभार भावे आवेश में कई लोग बोली ले लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता, ऐसा नहीं करना। जब भी कहीं दान धर्म करना है तो अपना एक प्रोजेक्ट बनाना, अपना जो है एक बजट बनाना है और देना है, और बिना देने आपको उद्धार नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखें, देते रहना है। जब भी कोई योग्य मौका मिले तो जरूर दान धर्म त्याग तपस्या करते रहना है, जिससे आपका जीवन का उद्धार हो सके। आइए, कई दिनों से कई प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं, उसके समय अनुसार मैं आपको उत्तर दूंगा। आज सबसे पहले बात आज की प्रसंग के 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के हिसाब से महात्मा गांधी का जन्मदिन है। आज जरूर जो है आप लोग, आज भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सरकार ने सबसे आह्वान किया है कि हम स्वच्छता करें। दो बात कहूंगा, अगर आपके मंदिर के आसपास में आपका घर है तो जरूर आज जाकर के एक झाड़ू लगा करके अपने श्रमदान, सेवादान, योगदान करें। मंदिर में जाने की भावना करना, दर्शनम, मंदिर के अंदर भावना ही करना, जाने की भावना बनाना ही एक उपास का फल मिलता है। और मंदिर में झाड़ू लगा करके स्वच्छता का भावना बनाना, यह बहुत बड़ा जो है आपके अंदर सेवा मनोवृत्ति जागेगा। इसलिए जरूर मैं कहूंगा, जहां भी आपके आजू बाजू मंदिर है तो जाकर के स्वच्छता करके आए, एक बात। दूसरी बात, वहां नहीं जा पा रहे तो अपने गलियों का तो स्वच्छ कर लो भाई, थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगा करके दूसरे के घर में कूड़ा डाल देते हो, हम स्वच्छ रहे दूसरा जो है अस्वच्छ रहे, हम शुद्ध रहे और दूसरा जो है उसका माहौल गल्ला गल जो गली है उसका गंदा दिखे, ऐसा ना करें। आपका कचरा आप उठाइए और अपने
कचरा बॉक्स रखिए और उसमें डालिए, अपनी उतार करके दूसरों पर बलामत डालो। ये मानवता नहीं है, ये क्रूरता है, हिंसा है, और ईर्ष्या या असहिष्णुता का एक प्रतीकता होता है। हम स्वच्छ रहे और स्वच्छ रहने का सिखाए, ये धर्म है, ये प्रवृत्ति है। हम खुद स्वच्छ रहे, खुद एकदम अच्छे बनने का प्रयत्न करें और दूसरे को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। रही बात महात्मा गांधी, जैन धर्म से बहुत बड़ा संबंध रहा, और जो आजाद आप घूम रहे हैं आज, आजाद जो व्यापार कर रहे, आजादी की जो श्वास ले रहे हो, उसका सबसे बड़ा कोई श्रेय जाता है तो भगवान महावीर का जो अहिंसा है। उस अहिंसा तत्व को महात्मा गांधी ने समझा, और उस महात्मा गांधी ने समझ करके उन्होंने जो है अपने जीवन कथा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा, उन्होंने एक अपना आत्मकथा लिखा है, और आत्मकथा के अंदर 32 नंबर पेज के अंदर पूरी वृत्तांत जो है उन्होंने लिखा है कि मैं जैन धर्म से कैसे प्रभावित हुआ, जैन धर्म मुझे क्यों अच्छा लगता है, जैन धर्म और मेरा संबंध क्या है। वास्तव में देखा जाए तो जो शाकाहारी होने का महात्मा गांधी के अंदर जो प्रवृत्ति जागी, वह अहिंसा तत्व महावीर की सिद्धांत को उन्होंने समझा, और शराब खराब व्यसनों से दूर रहे वो, उन्होंने श्वेत वस्त्र जो धारण करा वो भी जैन धर्म के शुक्लेशा के स्वरूप जो है श्वेत वस्त्र को जैन धर्म से उन्होंने सीखा। महात्मा गांधी ने अनेकों तत्व जो है जैन धर्म से वह प्रभावित रहे, उन्होंने अहिंसा का आंदोलन के माध्यम से देश को आजादी दिलाई, यह जैन धर्म की सबसे बड़ा योगदान रहा। उन कालीन प्रभावशाली रायचंद्र गुजरात के ब्रह्मचारी संत हुआ करते थे, और उनसे वो बहुत, वहीं उनका दोनों का आश्रम समीप होने के कारण वे उनसे प्रभावित हुए, जैन धर्म को जाना समझा, और जो है जैन धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आजीवन मांस खाने का त्याग किया, शराब पीने का त्याग किया और निर्व्यसन रहने का त्याग किया। वे अपने अपने आत्मकथा में लिखते हैं, एक बार विदेश जा रहे थे और विदेश जाते समय मां रोने लगी, मां बिलखने लगी, मां आतंकित हो गई, उनकी मां जो है घबरा गई, बेटा विदेश में जाएगा, वहां शराब खराब से कुसंस्कार से पाश्चात्य संस्कार से प्रभावित हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। तब मां को उसने बहुत धैर्यपूर्वक समझाया कि मां मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर के कहता हूं, मैं अपने विदेश टूर में जाऊंगा परंतु मैं अपने आप को प्रभावित नहीं करूंगा, अपनी जो संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति है, और परंतु जैन धर्म के जो तत्व है उस पर ही मैं आचरण करूंगा, और अजीब वहां जाने के बाद भी मैं शराब और मांस को टच तक नहीं करूंगा। ये इतना प्रभाव उनके जीवन में मां और जैन धर्म का उनकी लाइफ में पड़ा था। और उस टाइम पर, आजादी के टाइम पर अनेकों क्रांतिकारी थे, हिंसक के बातें करने वाले लोग भी थे, परंतु महात्मा गांधी के ऊपर इतना जैन धर्म का असर था, वे अहिंसा के सिवाय दूसरा जो है आंदोलन की मूड में नहीं थे, और सत्यतः अंतोगत्वा अहिंसा की विजय हुआ। अहिंसा के माध्यम से आज जो आप आजादी का सुख और आनंद भोग रहे है उसका कोई कारणभूत है परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में, तो वह है अहिंसा, महावीर का शासन का जो प्रमुख तत्व है उसी के कारण आज देश आजाद रहा, और वह बड़े लोगों ने स्वीकारा, और महात्मा गांधी ने उसको सिखाने के कारण आज जो है देश आजाद रहा। ये बात आज महात्मा गांधी की गांधी जयंती के शुभ लक्ष्य में
मैं आप सबको बधाई देता हूं। देशवासी को मैं कहूंगा, महात्मा गांधी अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार माता पिता से संस्कारित होकर के वे अपने बच्चों पर भी महात्मा गांधी जैसे संस्कार डालें, माता पिता अपने बच्चों पर भी, आजकल बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं, इतने निरंकुश हो रहे हैं कि पूछो मत। आज जितने हॉस्टलों में हैं, आज आए दिन जितने नवयुवकों का कत्ल हुआ है वो दो कारण से हुआ है। नवयुवकों का कत्ल का कारण, मर्डर का कारण दो कारणों से है, एक लव, दूसरा जो है व्यसन। कई लोग जो है आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं। परसों विगत दिनों में हुबली के अंदर बीकॉम किया हुआ एक बच्चे ने गले में फांसी लगाई, एक ही बेटा था, एक ही बच्चा। उसका कारण, उसकी जो भी दोस्त थी या जिससे वह बहुत ज्यादा घुल मिल गया था, जिसको अपना वो प्रेम समझता था, उसने कुछ डांट दिया, तू लायक नहीं, एक शब्द बोल दिया, मेरे से तेरा मैचिंग नहीं होता, एक छोटा सा शब्द बोलने से वो माइंड से डिस्टर्बेंस हो गया और गले में, उसके फोन पर बात करते करते गले में फांसी लगा, वीडियो कॉल करते। यह हमारे बच्चों की प्रवृत्ति हुई। माता पिता को संस्कार, भारतीय संस्कार के संस्कार से वंचित हो रहे बच्चे। आप जब भी कहीं आप पढ़ाई के लिए भेजे, परंतु उन्हें हर बार हर दिन एक ट्यूशन दे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा जीवन क्या है और हमें क्या करना है और आपको वहां क्यों भेजा गया। इस चीज को बार बार जो है बच्चों के साथ अगर आप संवाद करते रहोगे तो निश्चित रूपे न वो बच्चा पढ़ लिख करके देश, परिवार, राष्ट्र का नाम करे। अन्यथा पैर फिसलने में देर नहीं लगता है और जीवन को बर्बाद करने में सवेरा नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य, न जाने कब किस समय कौन सा आपकी अपघात से आपका बेटा और परिवार का सत्यानाश कर देगा पता नहीं। आज पुणे, बेंगलोर जैसे सिटियों में आए दिन मौत का खबर आ रहा है, बच्चे लोग आत्महत्याएं कर रही है और जितने मैरिज होता है उससे ज्यादा डाइवर्स हो रहा है, एक दूसरे का विचार मेल नहीं खा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं माता पिता का कमजोरी मैं समझूंगा। तो आज से दिन एक प्रतिज्ञा कर ले महात्मा गांधी के, केवल स्वच्छता नहीं, घर के परिवार की कुछ संस्कारों को भी स्वच्छता करना है। जीवन के अंदर आपके परिवार में जो पनप रहा है, विकट परिस्थितियां निर्माण हो रही है, उसको भी संभालना है। आजकल पहले जमाने में दो तीन बच्चे पैदा होते थे तो मां बाप को डर नहीं रहता था कि एक आधो बच्चों को जोर से बोल दे, मार दे या कुछ भी कर दे, ताड़न कर दे, खड़ा कर दे, खाना भूखा रख दे, तो आपको चार तीन बच्चे सपोर्ट करते थे और आपको सब खबर मिलते थे। परंतु आज एक ही बच्चा होने के कारण उसकी जो भी धमकियां है उसको आपको पुरना पड़ता है। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, उसके लिए जो अपेक्षा है वो सारी पूरी कर जाती है। परंतु आप अपेक्षाएं पूरा करें यह मैं मना नहीं करूंगा, आपके बच्चे हैं उनकी हर सुख सुविधाएं मिलना चाहिए, बट सुख सुविधा के साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए पर स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। उनके अंदर कुछ संस्कार परंपरा नहीं चाहिए, विकृतियां पनपना नहीं चाहिए, इस बात को भी ध्यान रख। आप फोन पर बात करते हो, क्या करते हो, खाना खाए, घूमे फिरे, क्या हुआ, इतना ही बात करते। कभी आपने देखा किसके साथ दोस्ती कर रहा है,
उस दोस्त का कभी इतिहास देखा है क्या? वो क्या करता है, किस प्रकार करता है, उनके जो ग्रुप है, उनका जो भी बैठना उठना सोना जिसके साथ वह कर रहा है, उसकी चर्या दिनचर्या कैसी है, कभी कॉलेज में जा करके देखते क्या? मैं भी देखता हूँ, लोग एडमिशन करने के लिए आते हैं, गाड़ी भर करके आते, एक नहीं दोस्तों का आजू बाजू गली मोहल्लों को उठा के लेके आते एडमिशन के लिए। जब एडमिशन के पैसे की बात आती है तो पूरा आजू बाजू के 15-20 लोगों को तक, कभी कभी एक बार बम्बई का एडमिशन था, कम से कम 50 लोग आए थे। जैसे वो देख करके का वो प्रिंसिपल ही घबराए, एक एडमिशन 50 आदमी, हर 50 एक आदमी उत्तर दे प्रिंसिपल और 50 आदमी क्वेश्चन पूछे, ऐसे भी देखा गया। परंतु जब वो अंदर डाल के चले गए और जब तक उसका डिग्री नहीं हुआ, अभी एक आदमी भी बंदा भटका नहीं, क्योंकि जब आपके जेब्स की बात आती है तब लोग जो है पूरा इकट्ठा करके आते हैं, परंतु बच्चे के संस्कार की बात आती है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस प्रकार का पढ़ रहा है, इस पर गौर करने के लिए बहुत विरले लोग के आते हैं। जिन जिन महान भावों की मेरी बात सुन रहे हैं उनसे आत्मीय निवेदन है, मैं आए दिन देखता हूं कि बच्चों को जैसे एडमिट करने के बाद, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद जैसे, और वापिस जब छुटकारा मिले तभी आप जाओ तो अच्छा नहीं होता, हर बार जैसे हॉस्पिटल में भर्ती करो तो उसके साथ रहना पड़ता है, वैसे ही अगर बच्चों को अगर कहीं स्कूलों में भर्ती करो तो आए दिन महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में हर बार उनकी खबर ले, कितना डिग्री ले रहा है, क्या ले रहा है, इस प्रकार की उस पर जो है जरूर आप ध्यान रखिए। इन बात को रखते हुए मैं प्रश्न ले रहा था, वो कल ले लूंगा, आज महात्मा गांधी के विषय पर ने कल एक 8 प्रश्न आए, 8 के प्रश्न 8 दिन आपको ले लेगा। मैं आपको आत्मीय एक निवेदन करूंगा, बच्चों को संस्कार के साथ माँ सरस्वती का वरद हस्त प्रदान हो, माँ सरस्वती माता का विशेष अनुग्रह और अनुकंपा बच्चों पर पड़े। और जिन जिन बच्चों पर मैंने माँ सरस्वती का आह्वान करवाया और संस्कार कराया, उन बच्चों पर बहुत ही जो है प्रभाव हुआ है। तो अभी आ रही है नवरात्रि, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी से मैं कहूंगा, अपने बच्चों को रविवार के दिन तारीख बताऊंगा, उस दिन जो है जरूर जो है बच्चों पर माँ सरस्वती की अनुग्रह अनुकंपा और माँ सरस्वती का जाप्य अनुष्ठान आराधना में भाग ले।